को चला और यदि पंचायत के वर्तमान स्थिति का राजनीतिक स्थिति के बारे में ये पहले के संघ तो अब आने वाला विधान झामुमो की पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह भुजुडी के बंगलो पाड़ा में आयोजित हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विजय रजवार को कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। विजय रजवार ने कहा कि झामुमो गरीब दलित मजदूर किसानों की पार्टी है। सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को काम करना है। उन्होंने कहा कि सरकार 21 वर्ष से 50 उम्र तक की बहन बेटियों के लिए लाई गई मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजनाओं को हर जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने को काम करे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन का मजबूत आधार है। कहा कि राज्य सरकार हर तबके के लिए काम कर रही है। विकास देखकर विपक्षियों का पेट फूलने लगा है। सरकार को अपदस्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जनता जाग चुकी है। विधानसभा के चुनाव में विपक्ष को सबक सिखाएगी। इस दौरान दर्जनों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली, जिन्हें विजय रजवार ने माला पहनाकर स्वागत किया। मौके पर कालीचरण गोप, दशरथ बन, जेडी रजवार, रजवार, दिनेश गोप, दिलीप, दीपक महतो, रुपेश महतो, वैद्यनाथ शर्मा, खुदीराम दास, आलोक महतो के अलावा कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो टेस्ट, जन मानस समाचार। आपको लगता है कि कुछ करना है तो मैं सबसे पहले यूनाइट हमारे आज भजूरी पूर्वी पंचायत के कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यकर्ता पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह में उपस्थित हुआ और निश्चित रूप में जो हेमंत सोरेन सरकार की योजनाएं चल रही है वो आम लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए कार्यकर्ता संकल्पित हुए और आने वाले समय में जन जन तक का योजना का लाभ, सरकार का योजना का लाभ हम लोग कैसे पहुँचाएँगे, ये हर एक वो कार्यकर्ता अपने अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपने पंचायत में वो पहुंचाने के लिए संकल्पित हुए। आगे की रणनीति क्या रहेगी चुनाव को लेकर? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा का कार्यकर्ता हमेशा जन जन के प्रति, लोगों के प्रति, लोगों को सरकार के योजनाओं के प्रति कैसे लाभ दिलाएंगे उसके लिए हमेशा तत्पर रहें और निश्चित रूप में अभी जो सरकार का महत्वपूर्ण योजना चल रही है मैया योजना, वो हम लोग अधिक से अधिक लोगों को कैसे उसका लाभ दिलाएंगे और पुनः हम लोग हेमंत सोरेन जी को सरकार में, सत्ता में कैसे लाएंगे ताकि ये सब योजनाओं का जो लाभ नियंत्रण लोगों के बीच में चलते रहे और लोगों को लाभान्वित लोग होते रहें, इसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को साफ तौर से आग्रह किए कि भाई आप लोग अपने अपने क्षेत्र में लोगों तक इस योजना का लाभ कैसे पहुँचाइएगा उसके लिए आप लोग संकल्पित रहिए।